सबसे तेज खबर जब दूर। नमस्कार, आप देख रहे हैं जगदूत न्यूज। जगदूत न्यूज हिंदी राष्ट्रीय समाचार पत्र चैनल में मैं पीके ठाकुर आप सभी का स्वागत करता हूं। जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने जाप कार्यालय खगड़िया में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किए। कार्यक्रम में जाप किसान प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष सह पूर्व नगर सभापति मनोहर कुमार यादव, युवा शक्ति के प्रदेश अध्यक्ष नागेंद्र सिंह त्यागी, जाप जिला अध्यक्ष कृष्णानंद यादव, युवा शक्ति के जिला अध्यक्ष चंदन सिंह सहित अन्य सदस्य उपस्थित थे। मैंने हो चुके हैं और इनके पास 900 वेंटिलेटर भी अभी तक नहीं है। लोगों की जांच की बात ये करते हैं, कल तक इनके पास आइसोलेशन वार्ड नहीं था, बेड नहीं था। डिप्टी कलेक्टर बेड के चलते डेथ कर गए। भागलपुर में अश्वनी चौबे के जिला में दवाई के दुकान पर पॉजिटिव केस वाले व्यक्ति मर गए। मंगल पांडे के क्षेत्र सिवान में पॉजिटिव केस वाला एक व्यक्ति रोड पर भर्ती होने जा रहा था, गिर के मर गया, कोई खाने वाला नहीं था। आरा में यही स्थिति हुई। कटिहार में वेंटिलेटर के अभाव में डेथ कर गया। जब आप प्राइवेट नर्सिंग होम को कहते कहते थक गए, लेकिन कल से पटना में कुछ प्राइवेट नर्सिंग होम को कुछ बेड का रिक्वायरमेंट लिया है गवर्नमेंट। 20,000 जांच के बाद जब आपके पास IGMS में आपने बंद कर दी, सर्जरी बंद कर दिया, आपके पास PMCH में कोई व्यवस्था नहीं है, NMCH में कोई व्यवस्था नहीं है, और एम्स में सबसे ज्यादा किट्स की बेड की दिखते हैं, तो सुशासन बाबू जांच हो ही नहीं रहा है। जांच आम आदमी तो छोड़िए, MLA लोगों का जांच आज 7-7 दिन 9-9 दिन तक नहीं हुआ, रिपोर्ट नहीं आया। आपके घर में BJP ऑफिस में 250 लगभग पॉजिटिव हुए, तब 72 घंटे के अंदर की जरूरत नहीं पड़ी, 2 घंटे में जांच हो गया, डॉक्टर की टीम लग गई। आम आदमी को क्या आपने मरने पर छोड़ दिया? मरने की तो आपने ठेकेदारी ले ली। कोरोना वायरस में एक राजा अपने प्रजा को लाठी गोली खाते देखने के बाद भी मई तक खुद बॉर्डर पर लाठी चलवाते रहे, फिर लॉकडाउन लगाए। तो लॉकडाउन के पहले आपने छोटे छोटे दुकानदारों के EMI को माफ किया, होल्डिंग टैक्स को माफ किया, बिजली बिल को आपने माफ किया। आप रोड पर बस रोक दिए, तो क्या रोड टैक्स माफ कर दिए? क्या आपने स्कूल फीस, ट्यूशन फीस, ट्रांसपोर्टेशन फीस माफ करने की घोषणा की? स्कूल बंद है तो उसकी बिजली माफ करने की घोषणा की बिना किसी पॉलिसी के? अनलॉकडाउन 1, अनलॉकडाउन 2, फिर लॉकडाउन, रिक्शा ठेला टमटम, मतलब आम आदमी की जिंदगी बदतर हो गई। तो ये जानना चाहता है बिहार देश की वो टीम भी आई थी जिस आप पर सवाल खड़ा किया कि जो जांच के तरीके हैं वो बहुत सही नहीं है। डबल इंजन की सरकार है, उसके बाद आप 5 महीने से घर में बैठे हैं, एक अन्य मार्ग से आप गायब हैं, एक अन्य मार्ग में आप नहीं हैं, लेकिन आपकी पूरी की पूरी टीम वर्चुअल और डिजिटल रैली में लगी हुई है। 100-200 करोड़ रुपए का खर्च आपकी टीम कर रही है,
आपने ये लॉकडाउन इसलिए किया ताकि आप 7 तारीख से जो आपका वर्चुअल रैली है उसको बड़े व्यापक पैमाने पर, मतलब अपनी वर्चुअल रैली करने के लिए आपने बिहार के ठेला वाला, रिक्शा वाला, टमटम वाला, दुकान वाला सबको आपने मार दिया। आप गंभीर साजिश किए हैं अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए। आप मस्त हैं, कुछ भी नहीं है, लेकिन आपकी वर्चुअल रैली चलती रहनी चाहिए। आपसे बड़ा निकम्मा शासन, बेशर्म शासन, आपसे बड़ा मौत का सौदागर जो पहले जांच कम किया, बीच में जांच बंद कर दी, क्वारंटाइन से लूट के क्वारंटाइन को बंद कर दिया, और उसके बाद बाहर से आने वाले लोगों की जांच बंद कर दी, और फिर जब चुनाव आ गए और पॉजिटिव केस महाराष्ट्र और दिल्ली से बढ़ने की संख्या बढ़ी, और बीजेपी ऑफिस और बिहार के मुख्यमंत्री का घर प्रभावित हुआ, तब इन्हें याद आया कि हमें क्या करना। एक दूसरा बार अभी तुरंत लगभग 1 दर्जन बांधें टूटी, 70 घाट की बात छोड़ दीजिए, जो कंपनी है वशिष्ठा कंपनी, इन्हीं के नेतृत्व में कुशहा बांध टूटी थी, इंक्वायरी हुआ था। वशिष्ठा कंपनी को 400, 300, 500 करोड़ का काम नेताओं ने, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर ने क्यों दिया? 30 करोड़ 40 करोड़ का काम करने वाला हैदराबाद में, उनको यहां काम क्यों मिली? और 8 साल लगभग उस पुल को लगातार एस्टीमेट बढ़ा के बनने में देर क्यों हुआ? 8 साल के अंदर जो जो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर है उसकी संपत्ति की जांच, वशिष्ठा कंपनी पर FIR, एक्सिक्यूटिव इंजीनियर पर सस्पेंशन, मंत्री का बर्खास्तगी और सभी पुलों की न्यायिक जांच, कौन कौन लोग पैसा लिए, 264 करोड़ के में 64 करोड़ का काम हुआ, 200 करोड़ नेताओं के घर में गया, या कंपनी जब ब्लैकलिस्टेड थी तो कौन इसके पीछे आका है? आपने सिंचाई को दुधारू गाय क्यों समझा? खबरों के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि जगदूत न्यूज की सभी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे, लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटा को दबाना ना भूलें। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। विज्ञापन के लिए संपर्क